किलो बेसन ले लूँगी, ये मैंने इसके अंदर लिया और बेसन को अच्छे से छान लूँगी। ये मैं इसलिए छान रही हूँ, देखिए ये कितनी मोटी मोटी ऊपर गुठलियाँ हैं, ये आके सारी छन जाए। ये देखें, ये मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें सबसे पहले मैं डाल दूँगी जो मैंने कूटा था धनिया, ये 2 चम्मच धनिए के डाल दिए मैंने, 2 चम्मच जीरे के, 1 चाय का चम्मच नमक डाल लेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट चेक कर लेंगे हम बीच में। ये मैंने थोड़ी सी 1-2 पिंच मैंने सोडे के लिए, 2 चम्मच कटी हुई लाल मिर्चों के, ये देखें बिल्कुल मामूली से मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें डाल दी हैं, 1/2 चाय की चम्मची मैंने हल्दी डाली, 1 चम्मच कसूरी मेथी का, ये मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा पानी डालती रहूँगी मैं। थोड़ा पानी डाल डाल के मैं इसे मैं बैटर बताऊँगी कितना होना चाहिए। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। अलग ले लूँगी और ये मैंने आलू को स्किन के साथ कट किया, स्किन के साथ आपने कट करना है, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और ये मैंने गोल गोल बैगन भी काट लिए, हम 1 by 1 इसके अंदर आलू के और बैगन के पकौड़े बना लेंगे। ये दोनों तरफ से मैंने इसे गोल्डन ब्राउन करना है और फिर मैं इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना,